सबसे पहले बताऊं, इस वीडियो के होने वाले हैं दो पार्ट्स। ये पार्ट वीडियो काफ़ी लंबी होगी तो दो पार्ट्स मेरी वीडियो डिवाइड है। बहुत ही आपको मज़ा आएगा वीडियो देख के, तो वीडियो को दोनों वीडियोस देखें। तो जैसे कि आप वीडियो का टाइटल देख रहे होंगे, आई लॉस्ट माई ऐप्स। तो जी हाँ, हमने अपने ऐप्स खो दिए हैं। किस वजह से खोए हैं ये भी आपको बताएंगे आगे वीडियो में। पर अब दोबारा एक प्रेप करेंगे लिटिल कट के लिए, वापस कटिंग लाएंगे और ऐप्स को वापस लाएंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ मिलके कैसे अपना बॉडी फैट कटा सकते हैं, और साथ में किस तरह से जिनका इतना थोड़ी बहुत विजिबिलिटी है ऐप्स में तो ज़्यादा विजिबिलिटी कैसे लाएं, तो वो इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जो भी इसके दो पार्ट्स हैं। और आने वाली वीडियोज़ में आपको पता चल जाएगा कि आप लोग भी कैसे ऐप्स को ला सकते हैं, या जिनके जा चुके हैं तो वो कैसे वापस लाएं। तो इस वीडियोज़ को, जो आने वाली दो वीडियो, उनको ध्यान से देखें, पूरा एक्सप्लेन किया। आज चीट का महासंगम है। तो अभी है हमारे साथ भानु सिंह परिहार। 5 से 7 से 8 बार मेरे घर आ चुके हैं, शायद ज्यादा भी आगे होंगे, 10-15 बार। पर आज तक इन्हें मेरा घर का रास्ता याद नहीं हुआ। हमेशा फोन आता है, हाँ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कभी PNB के ATM के बाहर, कभी ये वाला जनरल स्टोर, कभी वो वाला जनरल स्टोर। तो इनसे मंद बुद्धि तो ज्यादा हो नहीं सकता मुझे लगता है। कह सकते हैं 5 से 6 साल हो गए इन्हें, 5 साल तो हो ही चुके होंगे आते हुए, पर अभी तक रास्ता। चलो खैर, क्या कर सकते हैं, ये बड़ी रोड पे उड़ने वाले मुसाफिर हैं, छोटी रोड का रास्ता याद नहीं रखते हैं। तो आज सबसे पहले तो वेलकम बैक एक और नई वीडियो में। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा पुराना अड्डा है एक, जो कि बड़े टाइम से गए नहीं है। ये गए तो हैं पर साथ में काफ़ी टाइम से नहीं गए हैं। 2021 आ चुका है, फर्स्ट टाइम जब हम गए थे 2016 में, 2015 की एंडिंग भी कह सकते हैं आप, हाँ 2015 में हम पहली बार गए थे। तो 2021 आप लगाने आ रहा हूँ, 6 साल हो चुके हैं। तो जो लोग चार हम तब पहली बार गए थे, आज भी प्लान वही था 4 लोगों का, पर उसमें से एक जो हमारे स्पॉन्सर थे, मेन स्पॉन्सर आज के, उन्होंने हमें धोखा दे दिया है। तो मेन स्पॉन्सर के कारण आज हम, स्पॉन्सर तो हमारे साथ नहीं है, पर अब क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी जेब खर्च से खर्चा उठाएंगे। तो स्पॉन्सर हमें दे चुके हैं धोखा, उनकी फोटो मैं जरूर डालूंगा वीडियो में, उनको आप देखें। तो अभी एक और हमारे दोस्त, जो कि अभी हम उनको इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, वो बस पे इंपोर्ट होके आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, कठुआ से आ रहे हैं। तो सीधे उनके पास चलते हैं, उनको भी उठाया जाएगा रास्ते से, जहाँ पे भी वो होंगे लावारिश के कोशिश करेंगे, पड़े हुए ना हो कहीं पे तो उनको पकड़ते हैं। तो अभी चलते हैं सीधे वहीं पे। आई लव जम्मू। तो आप देख सकते हैं बहुत ही गंदा जाम लगा है अभी तक 20 मिनट से, क्या कह सकते हैं, अभी आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर भी कवर नहीं हुआ है, इतना जाम खतरनाक लग चुका है। अभी जाना हमने दूर है, और जो हमारे साथी एक और मित्रगण बस से उतर चुके हैं, रोड पे लावारिसों की तरह फिर रहे हैं, तो उनको भी अभी उठाना है। तो वो भी फोन पे फोन कर रहे हैं कि आइए जल्दी आइए, तो अभी उनको उठाएंगे। ट्रैफिक का क्या करें, तो मानोगे कुछ आप बोले, हम क्या बोले, हमारे पास कोई शब्द नहीं है, हम शब्द हो चुके हैं यहाँ पे इतना गंदा जाम देख के। अभी यहाँ से एक रोड आने वाली है, जिससे की अक्सर बानू जी रोज ट्यूशन के टाइम पे, कोचिंग के टाइम, नहीं ट्यूशन नहीं बोलेंगे उसे, हम क्या बोलेंगे, कोचिंग बोलेंगे, कोचिंग क्लासेस, जो कि जेई मेंस के लिए इन्होंने ली थी उस टाइम पे, जेई मेंस की इन्होंने कोचिंग ली, और 12th के बाद अभी ये लॉ कर रहे हैं। अभी 1 साल इनका बाकी है, पर मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ लॉ करने के बाद भी ये कुछ और ही करेंगे। बहुत सारी बातें करने वाले हैं, अभी हम एक और बच्चों को उठाने वाले हैं, जिनको भी हम उठाएंगे, फिर आप मजा देखिए। अभी मैं आपको कसम से कह रहा हूँ, एक बंदा गायब है, वरना मैं आपको बताता वो किस लेवल का। आप देख सकते हैं मैं बात कम कर रहा हूँ, हंस ज्यादा रहूँ तो क्या पर्सनैलिटी है वो। तो ये है वो रोड जहाँ से बानू जी रोज बाइक पे बैठ के अपने अंकल जी के साथ कोचिंग करने आया करते थे, MMC में। वो हमारे थे
वो भी स्वर्ण दिन थे इनके। तो अभी एक और, जैसे कि आपको बोला बाबा सौरभ बाबा मिस्टर एलपीयू से स्टडी अपना प्रोग्राम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परसुइंग करते हुए बीई सिविल इंजीनियर हमारे, उनको भी उठाएंगे एक जगह, हमने उनको ठेका दिलवाना है। ये क्लास बी का उनके पास सर्टिफिकेट है ठेकेदारी का, तो अभी उनको उठाते हैं। कहाँ पे? इधर आ, रोड के पार आ, रोड के पार। ये देख देख लिया अंदर को, इधर आ रोड के पार। थोड़ा सैनिटाइज करते हुए हाथों को। तो ये मास्क की बैग बैग डाल के अभी अभी कठुआ से इंपोर्ट हुए हैं ये। बहुत ही खस्ती हालत में, वैसे बहुत ही खस्ती हालत में। ये चाल देखिए, चाल क्या लाजवाब चाल है। ये है नए बाहुबली। मास्क देखिए, मास्क। आइए साहिब, ये हमारे मित्रगण। इनसे मिलिए, ये है परिचय दे अपना भाषा परिचय। मैं यार फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अभी अभी हम आपको बता दें कि लिंगड़ी जी, जो कि हमारे आज के स्पॉन्सर, जो कि नहीं आए हैं। हुआ क्या? तो अभी हम, ऐसा कुछ हुआ कि जो मैं कैमरे में नहीं बता सकता इन्हें अभी। क्योंकि वो ऐसा, ऐसे काम जो कैमरे में ना बताए जाए वो अक्सर किया करते हैं और बार बार करते हैं। हमारा चैनल बंद हो सकता है, जो कि उन्होंने काम किए हैं ऐसे ऐसे काम। तो इनको मैं कैमरा बंद करके समझाता हूँ उन्होंने क्या किया है। तो ये बानो जी की यूनिवर्सिटी, जहाँ से ये लॉ कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यहाँ पे ये अक्सर जाया करते हैं और अंदर जाके 20 रुपए का जूस पीते हैं, जो कि पूरे शहर में सबसे मौसमी जूस, जो कि पूरे 12 रुपए का डोसा, बताइए 12 रुपए का डोसा और 20 रुपए का, कितने का गिलास है छोटा मौसमी जूस? 10 रुपए का मौसमी जूस, जो कि पूरे जम्मू शहर में इससे सस्ता जूस आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमने भी काफ़ी टाइम एक एक जग, 80-80 रुपए का जग, जिसमें कि 8-10 गिलास निकलते हैं, वो हमने भी पिया हुआ अक्सर। तो ये इनकी गाड़ी में कुछ शो कर रहा है, हैंड ब्रेक सिस्टम में खराबी आ चुकी है। यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिद्धांत शर्मा जी की आवश्यकता थी, उनकी कमी महसूस, जो कि कमी महसूस होती हुई सिस्टम में एरर आता हुआ है, हैंड ब्रेक लगी नहीं थी पर आगे शो कर रहा है हैंड ब्रेक। तो यहाँ पे हम उन्हें मिस करेंगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे वो अपना लैपटॉप लेके आए होते तो डायरेक्ट कनेक्ट करके ये हमारा एरर सॉल्व करते कोडिंग करके। तो उनके बारे में मैं आपको बताऊँ तो 2-4 साल की इंजीनियरिंग होती है, जिसमें वो 2-3 बार कॉलेज तो 2 बार चेंज किया है, पर उसके साथ प्रोग्राम नहीं, क्या बोलते हैं उसे, हाँ प्रोग्राम भी अपना चेंज कर चुके हैं शायद 3 बार। काफ़ी बड़ी बात है, समझ रहे होंगे आप। तो जैसे कि अभी आपको बताया, हम अपने पहले बताया आपको अड्डे पे जा रहे हैं, कौन सा अड्डा है अपना 5 साल पुराना अड्डा, तो वहीं पे जाएंगे। अभी आपको पता चलेगा कौन से अड्डे पे जाने लगे हैं। अभी मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा वहाँ पे फर्स्ट टाइम की, पर वो काफ़ी मज़ेदार और हंसी वाली बातें हैं, जो कि मैं आपको वहीं जाके करूँगा आपके साथ। तो चलिए अभी वहीं पे सीधे चलते हैं। जाम, किस बात का जाम है वो हमें नहीं पता। देखिए वहाँ इनसे मिलिए, ये हैं जो हमारी वीडियो से इंस्पायर होके 20 रुपए का तंदूर जिन्होंने तैयार किया। ये भी मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे कि मैंने खुद घर पे बनाया पर मेरे से बना नहीं, तो क्या हुआ क्या, इनके कोयले नहीं जले, क्यों नहीं जले? ये घर पे खुद कोयले बना रहे थे पहले, इनकी देखिए मेहनत देखिए, बाहर से कोयले नहीं लाए इन्होंने, इन्होंने अपनी लकड़ी जलाई, उसके कोयले बनाए, देन उसके बाद उन कोयलों पे थिनर डाल के उनको जलाने की कोशिश कर रहे थे, पर इनसे वो जले नहीं। तो आप देख सकते हैं किस हद तक के मेहनती, मेहनत करने वाले लोग हमारे साथ इस टाइम जुड़े हुए हैं। तो आगे भी इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे, जिसमें कि ये असफल होंगे, पर हमारी यही दुआ रहेगी पर ये सफल हो जाए। तो अभी आप देखें, जैसे कि आपको बताया जाम, 20 मिनट हो गए हैं जाम में अटके हुए। बानू जी आप कुछ बोलिए यार। बोलिए
जाम के लिए आप कुछ बोलिए। मुझे लगता है हमें गाड़ी यहीं पे लगा देनी चाहिए और जाके यहाँ से पैदल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ से पास ही है हमारी अड्डा हमारा। तो इनका कहना है कि गाड़ी यहीं पे साइड पे लगानी चाहिए और पेट में जगह और खाली हो जाएगी तो साइड पे लगा के पैदल जाते हैं और वहाँ पे खा पी के वापस आते हैं। शायद तब तक ये जाम लगा रहे क्योंकि इतना टाइम तो लग ही जाएगा। ये आप देख सकते हैं, तो ये था जाम का कारण, प्रोटेस्ट का पार्ट वन काफी। ओ देखिए एक्सीडेंट होते हुए। तो अभी यहाँ पे चल रहा है शायद प्रोटेस्ट चल रहा है या क्या चल रहा है उसके कारण काफी बड़ा प्रोटेस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट चल रहा था। खैर वहां से निकल चुके हैं, बस चलते हैं अब। फरवरी में पसीना, समझ सकते हैं आगे कितनी बुरी हालत होने वाली है। तो अभी यहाँ पे होगी गाड़ी की चेकिंग। शिट यार, जो नहीं फेंकते हैं वो उड़िया।